हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2019 वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ और आज कुछ खास टेक्निक आपको बताऊंगा। छोटी सी ट्रिक लेकिन बहुत मजेदार। आइए समझते हैं ये ट्रिक है कौन सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल दबा करके मैंने इसको सेलेक्ट किया है और कंट्रोल को फिर लीक कर दिया यानी छोड़ दिया। ठीक है, कंट्रोल दबा कर सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये सिलेक्शन में आ जाएगा और अब आपको यहाँ पर लगाना है इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला। ये लगा दिया इज इक्वल टू सम। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास अगर कोई और भी सब्जेक्ट हो तो उस भी सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, मैंने दो ही सब्जेक्ट रखा है एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो अब ये दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज किया और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल और एंटर। सिंपल एंटर नहीं प्रेस करना, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है और ये सारे ही सेल में ये डेटा फिल हो जाता है। ये बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, मैं आपको फिर दिखाता हूं। अगर आपका ये पार्ट सिलेक्शन में ना हो तो क्या करेंगे, ऐसे पहले सिलेक्शन में ले लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन में ले लिया, अब आपको कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस कीजिए और फिर कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप पहले यहां पे चले जाइए। कंट्रोल प्रेस किए रहिए और यहां पे चले जाइए ऊपर वाले सेल में जहां पर आपको सम का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये इस पर क्लिक करते ही वहां से सिलेक्शन हट गया है। तो एक बार और आप उस पर क्लिक कर दें। अब आप कंट्रोल बटन छोड़ दीजिए और इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगा लीजिए, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ये लगा लिया इज इक्वल टू सम और इन दोनों को सिलेक्शन में लिया और अब ब्रैकेट को क्लोज करके कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया तो ये जादू हो जाएगा। ये बड़ा आसान है। कैसी लगी आपको ये ट्रिक कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।